जी लाहौर में परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा बहुत मजा आया हमारे आइटम सॉन्ग थे उनको पसंद तो इधर ये होता है ना कि मतलब मुकाबला होता है लड़कियों के साथ कि लड़कियां इधर आइटम सॉन्ग ज्यादा करती है उनके मुकाबले में हमें ज्यादा करना पड़ता है तो बाकी ऐसे है, है मैं निहारी पाए ये बहुत शौक से खाती रही हूँ दो तीन टाइम मतलब दोपहर में शाम में फर्स्ट टाइम मतलब खाती रही हूँ मुझे पाँच से छह साल हो गए हैं और आपको सेम पीछे पीछे साथ साथ है हम दोनों साथ साथ तो होती दो है तीन महीने बाद कि हम जहाँ कोई गलती करती है तो दोनों का नाम आता है कोई अच्छा काम करते हैं तो दोनों का नाम, तो नाम आता है अभी पंजाबी गाने हैं हमारे बहुत अच्छे हैं मैडम के गाने भी बहुत अच्छे हैं और नसीबो तो फिर छाई हुई है मैं मतलब पंजाबी सॉन्ग करती हूँ ज्यादा नसीबो के हाँ मैं नसीबों का करती हूँ वो तो बड़े खतरनाक तभी तो करती हूँ <laughs> नसीबों के गाने में करती हूँ बहुत मजा आता है मतलब लोग पब्लिक भी चस कहते ना चस लें हमें भी सानू भी चस आंदी है ड्रेसिंग का भी इशू होता है ना कि पंजाबी फिल्म में और ये पश्तो फिल्मों में मतलब कहती है काम करे लेकिन ड्रेसिंग की वजह से हम नहीं करते ना मैं यकीन करो कभी खुदा वास्ते उम्र ना असलम नाजरीन मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देखें हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल नाजरीन आज हमारे साथ पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री के दो ऐसे खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही थोड़े वक्त में अपनी बहुत ज़्यादा पहचान बनाई पंजाब के तकरीबन तमाम थिएटरों में परफॉर्म कर चुके हैं अपनी शनाख्त अपनी परफॉर्मेंस की वजह से मुनफरद किस्म की रखती हैं हमारे साथ मौजूद हैं फरा ख़ान और कोमल खान दोनों बहनें हैं

काफी दफा काम किया लेकिन मतलब आउटडोर ज्यादा करते हैं लाहौर में करती हैं काम लेकिन कम करती हैं कहते ने जिन्हें लाहौर नहीं देखिया जमया नहीं हाँ। तो आप तो पहले भी आ चुकी हैं इसका मतलब है आप पहले भी पैदा हो चुकी हैं लाहौर में तो, तो कई कैसा बार, कई बार पैदा हो चुकी हूँ <laughs> तो क्या खास बात लगी लाहौर शहर की दीगर पंजाब के शहरों से वैसे तो सारे खूबसूरत शहर हैं खूबसूरत लोग हैं लाहौर की क्या खास बात लाहौर की खास बात मतलब कि हर जगह पे भी खास ही लगता है ये नहीं मैं कह सकती कि स्पेशली लाहौर की कोई खास बात लेकिन इधर की ऑडियंस इधर की भी बहुत अच्छी है मतलब जब भी मैं इधर आती हूँ ना काम करने का मतलब इधर ये होता है ना कि मतलब मुकाबला होता है लड़कियों के साथ कि लड़कियाँ इधर एटम सॉन्ग ज़्यादा करती है उनके मुकाबले में हमें ज़्यादा करना पड़ता है तो पब्लिक जब अप्रिशिएट करती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है परा आप कहते हैं लाहौरिये खान पीन दे बड़े शौकीन ने तो आप यहाँ पर आई तो आपकी भी कुछ सेहत वगैरह ज्यादा पहले की निस्बत या फिर जैसे आई थी वैसे ही जा रही जी मैं जैसे आई थी वैसे ही जा रही क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा खाया नहीं है मैं मुंह पे हाथ रखे रह रखा ज्यादा नहीं खाना मोटी हो जाओगी और तो सो तो डाइट भी होती रही है हमारी हमने कम खाया लेकिन खाने यहाँ पे वैसे बहुत मजे के होते हैं थोड़े बहुत टेस्ट किए कौन से ज्यादा टेस्ट की ये यहाँ पे वो कोई नाश्ते में होते हैं चने होते हैं और यहाँ पे रोगनी नान सबसे मशहूर है लहोरे के, के निहारी, निहारी तो गे गे मुझे लगता है कि कोमल ने हाथ ज्यादा खाने पे साफ किए हैं आपकी निस्बत जिस तरह से वो फर फर्क बता रहा है मैं बाकी ऐसे है मैं निहारी पाए ये बहुत शौक से खाती रही हूँ दो तीन टाइम मतलब दोपहर में शाम में फर्स्ट टाइम मतलब खाती रही हूँ आपकी सेहत से नहीं लगता इतना क्या आप खाती होंगी और मैं, कर मैं डाइट करती हूँ तीन टाइम ग्रीन टी पीती हूँ कोमल क्या कहेंगी कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर परफॉर्म करने का लाहौर में बहुत अच्छा मुझे तो बहुत अच्छा लगा काम करके इधर और मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्पेशली यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रोल होते हैं जो हमें रोल करके बहुत मजा आता है प्रॉपर ड्रामा चलता है ड्रामे वहाँ पे भी चलते हैं जनूबी पंजाब में भी लेकिन यहाँ पे ज्यादा तो दी जाती है बहुत ज्यादा यहाँ पे रिहर्सल करवाई जाती है बहुत मज़ा आया है हम लोग यहाँ पे मतलब कि ड्रामा करके बहुत इन्जॉय करें कितना अच्छा हो गया थिएटर इंडस्ट्री से मुंसलिक मुझे पाँच से छह साल हो गए हैं और आपको सेम पीछे पीछे साथ साथ है हम दोनों साथ साथ तो होती है महीने तो फर्क ला लो पीछे बाद चाहिए तो ऐसा होता है कि हम स्कूल में भी दोनों इकट्ठे पढ़ते थे ना मतलब कि मैं अगर गैर हुई तो बोला क्या कहते थे टीचर वो फर्क उम्र दोनों आई 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 मतलब कि होती थी। ही होती थी हालांकि ये इस तरह हमारा दोनों का अब नाम हो गया कि हम जहाँ कोई गलती करती है तो दोनों का नाम आता है कोई अच्छा काम करते हैं तो दोनों का नाम आता है आपने स्कूल का जिक्र किया तो एजुकेशन कहाँ तक हासिल की क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि शोबिज की जो लड़कियाँ होती है वो कम पढ़ी लिखी होती हैं तो मेरे ख्याल में आप इस गुमान को आज गलत साबित जी मैंने मैट्रिक है और आपने आप उनसे हैं इसकी क्या खास ये ड्रामा में काम करती रही तो तो मुझे पढ़ने का शौक था तो मैं दो साल फील्ड से आउट और पढ़ाई करती थी हाँ, मैं, मैं फील्ड कर रही थी हम फील्ड करके भी पढ़ रहे थे मतलब मैट्रिक के पेपर भी दिए हमने और फील्ड भी कर रहे थे किस किस्म के गानों पर ज्यादा मजा आता है की ये गाने जो मेरी पहली प्रेफरेंस पहले पता है शुरू में जब हम आए थे तो ये इंडियन गाने भी चलते थे उसमें हम लोग सॉन्ग अलग अलग कर लेते थे लेकिन अभी पंजाबी गाने हैं हमारे बहुत अच्छे हैं मैडम के गाने भी बहुत अच्छे हैं और नसीबो तो फिर छाई हुई है और आप तो, अब ये ना कहना पीछे पीछे मेहरबानी कसम बदल देना नहीं मैं ज्यादा पंजाबी सॉन्ग करती हूँ और जब हम दोनों का ड्यूट सॉन्ग होता है तब हम सराइकी कर लेते हैं अदरवाइज मैं मतलब पंजाबी सॉन्ग करती हूँ ज्यादा नसीबो के ना ਆ ਮੈਂ ਨਸੀਬੋ ਕੀ ਕਰਤੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬੋ ਕੇ ਗਾਣੇ ਜੀ ਨਸੀਬੋ ਕੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਚਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਚਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਾਇਕੀ ਜੋ ਉਧਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਾਇਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਰੇ ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ Song ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ

इन रहती हूँ मुझे बहुत शौक है और इससे बहुत फायदा होता है मैं किसी ऐसी जगह पे प्ले करने चली जाती हूँ जहाँ कभी नहीं गई लेकिन वहां भी मेरे जानने वाले पहुंच जाते हैं मेरे फैन पहुंच जाते हैं क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे होती हूँ फिर पीछे पीछे मैं बहुत घट पीछे पीछे <laughs> क्योंकि मैं थोड़ी स्लो मोशन सोशल मीडिया पे कम आती हूँ फिल्मों में काम करने का एक्सपीरियंस हुआ आपका नहीं मैंने फिल्मों में काम किया सरायकी जो टेलीफिल्म में उनमें काफ़ी काम किया है और पंजाबी में भी एक दो में किया लेकिन बस फिर उसके बाद ना वो कहते हैं ना हम जो स्टेज के एक्टर हैं वो कहते हैं कि बस हम लोग रात को काम करें दिन को सोएं बस उठे तैयारी करें और थिएटर उसके अलावा ड्रेसिंग का भी इशू होता है ना कि पंजाबी फिल्म में और ये पश्तो फिल्मों में मतलब कहती हैं काम करें लेकिन ड्रेसिंग की वजह से हम नहीं करते ना कि हम मतलब सिंपल ड्रेसिंग तो कर सकते हैं जिसमें मतलब जो फिल्मों में ड्रेसिंग चलती है वो हम नहीं कर सकते फैमिली इशूज़ होते हैं क्या कहेंगी शालीमार थिएटर में काम करने का आपने वैसे किया है में भी काम किया शालीमार में स्पेशली काम करने का कैसा एक्सपीरियंस जी शालीमार में काम करने का बहुत मजा आया है विंग्स में भी बहुत मज़ा आता है हम लोग अपना इजी अपना तैयारी करते हैं काम करते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता हमें तो यहाँ पे तो भी बहुत मजा आया है तो में पीछे पीछे मैं पीछे पीछे कंटिन्यूटी <laughs> <पीछे। laughs> बन गई पीछे पीछे फरा जब पहला ड्रामा किया तो बाय चांस आई थिएटर इंडस्ट्री में या बाय चॉइस आई बस बाई चांस ही समझ लें कि वो हमारे एक मेरे स्कूल में ही पढ़ते थे वो हमारे एक है सिंगर सरायकी सिंगर ना Uh, क्या नाम है अजमल साजिद साहब ठीक है उनके कोई रिश्तेदार थे वो इधर मतलब के पढ़ते थे हमारे स्कूल में उनको बोला कि हमें गाने में मुझे था। वैसे भी ना मॉडलिंग का बहुत शौक था और से उसकी पूछनी चाहिए, ना। चाहिए। खुदा मैं यकीन करो अल्लाह की उम्र नहीं पूछता मैं पहले ड्रामे कि पैसे मुझे याद नहीं है मुझे याद है याद होगी मुझे बीस हजार दोनों बहनों को बीस हजार या आपको अकेले को बीस अच्छा। <laughs> हजार लिया मैंने पहले का क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को हमारे दी जी मैं अपने चाहने वालों को ये मैसेज दूंगी कि आप हमारा अच्छे से ड्रामा देखा करें और दूसरा ये हम पे तनकीद मत किया करें इन्होंने ये लिया, वो पहन लिया है हमें कोमल मतलब आप क्या है। कहना चाहें मैं ये कहना चाहूंगी इसके जो जितने मतलब के इसको चाहने वाले और जो मेरे चाहने वाले इसको जो ना टिकटॉक पे ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करें बस मैं ये कहूंगी बहुत शुक्रिया जी नाजरीन आपने कोमल खान और फराह खान की खूबसूरत गुफ्तु सुनी दोनों बहनें बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्यार है इनका आपस में अमूमन शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने चाहने वालों से अपने मदाहों से अपील की है कि बिला वजह की तनकीद से गुरेज़ किया करें और कोशिश किया करें कि अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें यह शोबिज़ की दुनिया फैंटसी की दुनिया है ग्लैमरस की दुनिया है तो तनकीद करने से हमें गुरेज करना चाहिए इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद